चलिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का ट्रैफिक अपडेट आपको बता देते हैं, क्योंकि घंटों लंबा जाम में जो लोग फंसे हुए हैं, काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और नेशनल हाईवे से हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर बताइएगा, काफी मुश्किलें आ रही हैं, जो लोग इतने लंबे जाम में फंसे हैं, तस्वीरें भी दिखाइएगा, लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं, चाहे हम लाइट मोटर व्हीकल की बात करें या हैवी मोटर व्हीकल्स की बात करें। जी किशोर, बिल्कुल, देखिए प्रियंका, सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में आपने जिखैनी चौक की तस्वीरें देखी होंगी। अभी भी मैं उस सपाट पे खड़ा हूँ जहाँ पे ये जिखैनी चौक का मुख्य चौक, इसको राष्ट्रीय राजमार्ग का कहा जाता है, लेकिन अभी भी आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पे छोटी या बड़ी गाड़ी है उसको जिखैनी चौक पे रोक दिया गया है। और दूसरी तरफ देखिए प्रियंका, एक बड़ी बात इस बार तो जो ट्रैफिक विभाग की तरफ से यहाँ पे की गई है, इस बार जो है कोई लोकल रूट जानी, कोई चनैनी, डोडा या पत्नीटॉप जाना चाहता है उसको भी जो है वो जिखैनी चौक से जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कंटीनिंग तारें लगाई गई हैं और हजारों की तादाद में यहाँ पे इस वक्त जो जिखैनी चौक पे जो है बाहरी राज्यों से जो जो टूरिस्ट आया है वो कल से यहाँ पे, कुछ ऐसे भी हमने यहाँ पे जो टूरिस्ट देखे हैं वो कल से यहाँ पे फंसे हैं और बच्चों के साथ हैं। अभी एक बड़ी खबर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये सरमोली के टोल्डी नाला के पास जो है एक पुल जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का गिरा है। अभी फिलहाल जो लोकल्स रूट हैं उनको भी जो है जिखैनी चौक से बंद कर दिया गया है, किसी गाड़ी को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हजारों की तादाद में जिखैनी से नगरोटा जम्मू तक मैं बात बात करूं, दोनों साइड इसी तरह से जो गाड़ियां हैं हजारों की तादाद में वो जिखैनी चौक पे रोक दी गई हैं। और दूसरी तरफ आप देखें तो अंत में जो है वो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। एक तरफ ये प्रशासन कह रहा है कि पूरी तरह से जो राष्ट्रीय राजमार्ग में अलग अलग टीमें यहाँ पे जायजा लेने के लिए आ रही हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सुर्खियों में है, क्योंकि ये बाहरी राज्यों से जो लोग हैं, जो छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी कश्मीरी कश्मीर की तरफ जाना चाहता है उसको फिलहाल जो है जाने की यहाँ से अनुमति नहीं है। और यहाँ से आप देखिए अभी भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक विभाग की तरफ से उनको कहा जा रहा है कि यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो सुरक्षित जगहों पर उनको यहाँ से मूव किया जा रहा है। लेकिन अभी जो अपडेट हमारे पास ये आ रही है, और कल से जो ट्रैफिक विभाग की तरफ से एडवाइजरी जरूर ये निकाली गई थी कि जो कश्मीर की तरफ आज के दिन जो है कोई भी गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और प्रियंका, बड़ी बात मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये जो आप चौक दे रहे हैं ये सिटी के लिए भी कहीं ना कहीं ये मुख्य चौक यहाँ से शहर के लिए जुड़ता है, और यहाँ भी आप देखिए हजारों की तादाद में लंबी लंबी कतारों, जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां वहां तक आपको गाड़ियां ही गाड़ियां देखने को मिलेंगी। और हमारे साथ इस वक्त देखिए यहाँ पे ट्रैफिक विभाग के डीएसपी भी यहाँ पे जो लोगों को समझाने की कोशिश किए जा रहे हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको फिलहाल बंद किया गया है, कोई भी जो गाड़ी है उसको जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और प्रियंका देखिए, आप लोगों को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है, और खुद जो है डीएसपी ट्रैफिक यहाँ पे मौके पर पहुंचे हैं, और यहाँ पे देखिए जो डीटीआई हैं उनका भी ये पूरी तरह से ये कहा जा रहा है कि यहाँ से जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ से निकाल दिया जाए। लेकिन अभी भी आप देखिए हजारों की तादाद में यहाँ पे जो कश्मीर की तरफ जाने की पत्नीटॉप की तरफ जो कोई जाना चाहता है उसको जिखैनी चौक से जाने की अनुमति नहीं है। जी प्रियंका, लोगों से भी आपने बातचीत की है, लोगों की काफी शिकायतें हैं इसे लेके कि कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नहीं किया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द वहां से निकले। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, फैमिली के साथ लोग हैं। खाने पीने की सुविधा की बात करें, वॉशरूम्स की बात करें, क्योंकि इतनी देर जब जाम में इंसान स्टक रहेगा तो ये सब चीजें होने की जरूरत है। तो किस तरह की सुविधा वहां पर दी जा रही है जो भी वहां पर पैसेंजर्स हैं? देखिए दो दिन से प्रियंका जो लोग हैं वो यात्री हैं यहाँ पे फंसे हैं, लेकिन जब हमने जो टूरिस्ट बाहरी राज्यों से आए हैं उनसे हमने बात की, उनका ये कहना है कि प्रशासन की अधिकारी यहाँ पे कोई भी जो है मौके पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रैफिक विभाग के जो लोग हैं जो जरूर लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से जो गाड़ियां हैं उनको मूव किया कर दिया जाए। लेकिन बड़ी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि आए दिन ये देखने को मिलता है कि वहां पे जो लोगों को खड़ा किया जाता है ना, जहाँ वहां पे ना बाथरूम जाने की फैसिलिटी, और लोगों की ये काफी शिकायत रहती है, इत्याज जो जो लोग जताते हैं। लेकिन जब ट्रक चालकों से भी हमने बात की जो कश्मीर की तरफ जाना चाहते हैं, उनका भी ये कहना है कि जब एडवाइजरी जारी की जाती है तो हमें वहां पे रोका जाए,
जहाँ पे हर चीज की फैसिलिटी हो। लेकिन बड़ी बात, अहम बात यह है कि ये पहली बार हमने ये देखा है कि यहाँ पे तार बंदी की गई है। आप शहर की बात करें, लोकल रूट की मैं फिलहाल बात करूं, जो कोई गोडी की तरफ जाना चाहता है या इस एरिया में जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ से जाने की उनको भी अनुमति नहीं है। उनको अनुमति इसलिए नहीं है कि लंबी लंबी कतारें, जो टूरिस्ट, जो शहर की तरफ से भी जो गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन ट्रैफिक विभाग के अधिकारी जरूर उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। कि अभी बड़ी खबर ये हमारे पास ये आ रही है कि सरमौली के पास कहीं जो है पुल गिरने की वजह से जो यातायात को फिर से जो लोकल रूट है उनको बंद कर दिया गया है। जी प्रियंका जी, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए किशोर ग्राउंड से तस्वीरें दिखाने के लिए। तो लोगों का क्या कुछ कहना है जो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर स्टक हैं, उनकी जुबानें भी आपको सुना। अपना नाम कहां से आप हैं और कब से आपको यहां पे रोका? सर, हम अमृतसर से आए हैं, मेरा नाम एलिस है। हम 2 घंटे हो गए जाम में फंसे हुए हैं। आगे कोई कहते हैं कि लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो बाबा बच्चों के साथ बहुत देर से हम ऐसे जाम में खड़े हैं। कोई हमें अपडेट नहीं आ रहा कि कब जाम खुलेगा, कब कुछ नहीं, हमें बस ऐसे बैठे हम। तो कितने लोग आप जो वहाँ से आए हैं और कितनी गाड़ी हैं आपकी यहाँ? हमारी तो बस एक ही गाड़ी है, हम आए हैं टूरिस्ट के तौर पे। बट मेरे को नहीं लगता कि हम नेक्स्ट टाइम आ पाएंगे यहाँ पे, जैसा हमने यहाँ पे जाम देखा है। तो किस तरह की यहाँ पे दिक्कत आ रही है, कोई प्रशासन की तरफ आपको पूछने आया कि क्या? बस प्रशासन की तरफ से तो कुछ नहीं, बच्चों के दूध दाद के बच्चों के साथ आना कर लेंगे बहुत। कोई सोलो बंदा आया वो तो ठीक है, पर बच्चों के साथ जो आए उनके लिए बहुत मुश्किल है। कोई दूध की, कोई बच्चों ने खाना पीना है कुछ, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रही है। थैंक यू। से यहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं, कोई उधमपुर में आके हमारे रुक गए हैं, कोई लेने वाला नहीं आया, इतनी बारिश में बहुत परेशान। लेकिन 2 पुलिस वालों ने हमारी बहुत हेल्प की स्टेशन पर, और आज हमको वहाँ जाना है, लेकिन ये ट्रैफिक नहीं खुल रहा है। पहलगाम के लिए हम बहुत परेशान हैं, क्या कर रही है अभी तक यहाँ की गवर्नमेंट हमारे लिए? कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ के टूरिस्ट के लिए। तो ये बताएं कि कल से आपको यहाँ पे रोका गया है, कोई प्रशासन का अधिकारी आपको पूछने आया, किस तरह से आप यहाँ पे रह रहे हैं? नहीं, अभी तक कुछ भी पूछने नहीं आए। हम लोग ऐसे ही बच्चों को लेकर खाना पीना कुछ भी नहीं हुआ है। बच्चे हमारे परेशान हैं, हम लोग MP से इतनी दूर से आए ट्रैवलिंग कर।